ये लंबी बत्ती हटा देते हैं और मैं आपको बताती हूँ वो आप कैसे लगा सकते हैं ताकि हमारा ये दिया चिपटे नहीं और बत्ती भी आराम से जल जाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिए सेफ्टी पिन, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह कर देंगे और ये जो है इस भाग को आप काट सकते हैं, मैं यहाँ पे काट नहीं रही हूँ। और इसमें हम अपनी ये बत्ती लगाएंगे इस तरह से, और देखिए इस तरह से हम अपना दिया जलाएंगे और हमारा दिया चिपटेगा भी नहीं और अच्छे से बत्ती जल जाएगी और ये सारा तेल सोख भी लेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी यूजफुल वीडियो है और हमारी बत्ती भी काफ़ी लंबी समय तक जलती रहेगी। तो आप इस तरह से अपने मंदिर में बत्ती लगा सकते हैं और आपकी बत्ती बुझेगी भी नहीं। और ये देखिए कितनी अच्छी यूजफुल वीडियो। तो दूसरी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम भी लहसुन छीलते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है बार बार छीलने में, तो मैं आज आपको ऐसी एक यूजफुल वीडियो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8-7 ये लहसुन की गांठें ली हैं, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना है इसकी कलियों को अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस तरह से लहसुन की कलियों को अलग कर लिया है और जो इसमें ये कूड़ा था वो अलग कर दिया है। तो हमने 3 गांठें 4 गांठें निकाल दी है, ये 3-4 गांठें निकाल दी हैं और 3-4 यहाँ पे ले ली हैं। तो हमने सभी को अलग अलग इस तरह से कर लिया है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए हमें सभी कलियाँ इस तरह की चाहिए। तो ये देखिए हमारी कोई भी कलियाँ जुड़ी हुई नहीं है। और हमने यहाँ पर ली है एक पानी की बोतल। तो अब हम क्या करेंगे, ये लहसुन डालेंगे इसके अंदर। आपके पास कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक की बोतल ली है पानी वाली और इन कलियों को इसके अंदर भरेंगे। इस कलियाँ इसके अंदर भर दी हैं। तो और यहाँ पे हमने लिए हैं ये काले चने, आप इसकी जगह सफ़ेद वाले चने भी ले सकते हैं। तो जितनी हमारी कलियाँ हैं उसी हिसाब से हमें लेने हैं ये काले चने। और एक मुट्ठी में यहाँ पे ये चने इसके अंदर डाल दी हूँ। यहाँ पे ये ढक्कन लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, हम घर में अपने किसी भी बच्चे को दे सकते हैं और ये काम हमारा बैठे बैठे हो जाएगा। और इसे इस तरह से हिला सकते हैं, तो इस तरह हिलाएंगे 2-3 बार। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे लहसुन छिल रहा है और छिलका भी बोतल से चिपक गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा लहसुन छिल गया है और हमारा घंटों का काम मिनटों में हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी ट्रिक्स है। और ये देखिए कुछ कलियाँ निकल के आ रही हैं, कुछ अध छिली हैं इस तरह से। तो हमारा लहसुन अच्छे से छिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।